दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीके वैद्य। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताऊंगा पतंजलि का जो है बहुत बेहतरीन चूर्ण है जिसका मेसी से बनाती है और इसका नाम भी दिव्य है। इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये चूर्ण मिलता है और इसकी MRP 65 रुपीज है, यानी 65 रुपये में आपको 100 ग्राम की क्वान्टिटी में यह मिल जाता है। इसके अंतर्गत जो घटक द्रव्य डाले गए हैं, क्योंकि घटक द्रव्य को जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी दवा के जो घटक द्रव्य होते हैं उसी से उस दवा की गुणवत्ता को जांचा और परखा जा सकता है और वो दवा कितनी बेनिफिशियल है इस बात का भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस दवा में कितनी अच्छी जो है गुणवत्ता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो डाला गया है वो है गुलाब, दूसरा है काला दाना, तीसरा डाला गया है सौंफ, चौथे नंबर पे है शनाय, पांचवा नंबर पे है सोंठ, छठवें नंबर पर है छोटी हरड़ और सातवें नंबर पर है सेधा नमक। यानी कुल मिला के जो है इसमें 7 जो है कंपोजिशन यानी घटक द्रव्यों को मिला के ये औषधि दिव्य चूर्ण तैयार किया गया है। पतंजलि की होने के कारण ये बहुत ही बेनिफिशियल है, सस्ता है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देता है, क्योंकि पतंजलि की जो औषधियाँ होती हैं ये जो है लैब में टेस्टेड होती हैं, जांची परखी होती हैं और बहुत ही शुद्धता के साथ, प्योरिटी के साथ ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इस दवा को प्रयोग करना है आपको, पेट में गैस है, अफरा है, पेट फूला रहता है, कब्ज रहता है, कुछ भी खाते पीते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं, भोजन पचता नहीं है या कुछ भी खा लेते हैं तो आपको खट्टी मीठी डकारें आती रहती हैं, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए दिव्य फार्मेसी का दिव्य चूर्ण आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट है। क्वांटिटी कितना लेना है ये भी जान लीजिए, तो क्वांटिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। जब इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो है एक छोटा सा आपको इसमें चम्मच मिलेगा और इस चम्मच से जो है एक चम्मच भर के आपको लेना है। यदि आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है तो एक चम्मच लेना है, 18 साल से अबव है यानी 18 साल से यदि आप ऊपर हैं तो आप 2 चम्मच की मात्रा में गर्म शीतोष्ण जल से यानी गर्म गुनगुने पानी से आप इस चूर्ण को जो है लेना है। यदि गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज़ ज़्यादा रहती है तो सुबह दोपहर शाम ले लीजिए कुछ दिनों के लिए, और अगर आपको ज़्यादा गैस नहीं है, ज़्यादा समस्या नहीं है, शुरुआती स्टेज है तो आप इसे सुबह शाम लेना है, यानी 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आपको कंज्यूम करना है पूरे दिन में। तो ये आपको पेट से समस्या, जो संबंधित समस्या है, गैस है, अफरा है, कब्ज है, बवासीर है, इन सारी समस्याओं को दूर करके पेट को हल्का करेगा, साफ करेगा और आपको जो है तरोताज़ा, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त करेगा। ये ऑनलाइन भी दवा उपलब्ध है, यदि आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए जो है ऑफलाइन ले सकते हैं किसी भी नज़दीकी पतंजलि के मेडिकल स्टोर पे। तो ये था जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है पतंजलि के दिव्य चूर्ण के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिला है। यदि मिला है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।